लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये घर भी तो तेरा ही है, फिर भी शादी के बाद थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये एडजस्टमेंट वर्ड ना मेरे सामने मत लो। वर्ड दे, मगर उन्होंने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं और अचानक से गायब हो गए। हर साल अपने बर्थडे की सुबह किसी को बिना बताए चला जाता है। आप जैसे क्लाइंट्स के लिए कुछ ना कुछ नया करना अच्छा लगता है। पर्सनल है ना, तो किसी को जानने की क्या जरूरत है। ये फिर मार खाएगा। ये सब क्या हो रहा है? मैडम जी, आप शहर से यहाँ पे नए आए हो? ये फाइट क्लब है। अंडरग्राउंड फाइट कहते हैं इसे। दो जबरदस्त लोग लड़ते हैं और बाकी सब पैसे लगाते हैं। वो देख रहे हो, बलवंत राणा शहर का सबसे बड़ा फाइटर है वो। ये हर साल अपने जन्मदिन पर आता है। बहुत पैसे वाला बंदा है, शौक मार खाने के। हर बार हारने के बाद दिल नहीं बढ़ता, जो बार बार आ जाता है। हारने का पता नहीं, पर यहाँ के जो मजा आता है ना, उससे मन नहीं भरता है। कभी खुद के लिए चिल्ला के देखा है? बहुत मजा आता है। ट्राई करो, ट्राई करो। मैं तो ये तेरी डायमंड फैक्ट्री नहीं है, ये अखाड़ा है। यहाँ पर दिमाग नहीं, शरीर की ताकत काम आती है। जो चुप के से भर दे को बैके बैके जिस बातों से।
जब यूं होगा कि हो आसमां से पुहा। बाद में थोड़ी टाइम के बाद। तो आप बताएंगे आप ये कांड किस लिए? वो बहुत साल पहले मेरा दोस्त मुझे यहाँ पे लिखे, वो लंबी वार्ता जब है और बहुत दर्द हो रहा है, अपनी जबान में बोलने दो ना, ये दो दो दर्द कैसे संभालूं? ओ, दो दो दर्द एक साथ कैसे सहूं? बट आई थिंक आप तो प्रोफेशनल रेसलर है ना, तो फिर दो दो क्या, आप तो 200 दर्द एक साथ सह सकते हैं, है ना? बोलिए। लॉन्ग इयर्स बैक फ्रेंड ब्रिंग हियर आई लाइक प्लेस आई कम वन मोर विद फ्रेंड आई लाइक एवरी बर्थडे आई कम I like, I come alone. No one know my private part. Private part of your life, Anuji, not private part. Same, no? No, not same. खैर, anyways, वैसे मुझे कुछ याद आ रहा था, कल कोई कुछ कह रहा था कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो बहुत जलते हैं, वो बोल रहे हैं। कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, जो मन में होगा बोलेंगे, कौन था वो? मुझे याद ही नहीं आ रहा। आपको सच्ची याद नहीं आ रहा है गौरव जी कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक? मैं पागल हूँ क्या? आप तो प्रोफेशनल रेसलर है ना, सबकी धुराई करते हैं। वैसे आज पीटने का मूड नहीं था, या मतलब इतनी मार खाई है ना आपने? नहीं खाई नहीं, आपने खिलवाई है। आप सामने आ गए तो मेरा ध्यान आप पे चले गया, नहीं तो आई गिव वन बिग गुस्सा पंच, बिग पंच, ही गो फ्लाइंग, नो वन टच माय हेयर, बट माय बर्थडे टुडे माय रिटर्न गिफ्ट टू यू। शॉक और शॉक में कुछ हो जाता तो मतलब बिना ट्रेनिंग के आप उस असली पहलवान के साथ लड़ने निकल पड़े, वो तो अच्छा हो उसने आपका भर्ता नहीं बनाया। कहीं तो मजा है ना, जब जिंदगी तूफान लाती है सामने तो आपको तैयार करके थोड़ी ना खड़ा करती है, जो डट कर सामना करता है वही तूफान को झेल सकता है। इसे मैं भी अचानक अपने आप को ऐसे तूफान के सामने खड़ा कर देता हूँ और उससे मुझे किक मिलती है। किक? हाँ, ऋषि बोलता है ना किक, तो उस किक के लिए आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से छुप छुपा के यहाँ पे आते हैं? हाँ, वो लोग समझेंगे नहीं ना, और मालकिन को पता लगा तो ये ऐसे गुस्से के बाद वो मुझे वापस यहाँ कभी आने ही नहीं देंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ ताकि किसी को चोट नजर ना आए, तो दो दिन यहाँ पे रुक कर फिर घर जाता हूँ। तो ये सब पहले होता था, ठीक है, आज आप घर जाएंगे। हाँ? अरे नहीं नहीं, माँ ने ऐसे कुछ नीले पीले सब ये घाव देख लिए तो क्या बोलूंगा मैं? नहीं, आप कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलना मैं बोलूंगी। पन क्या मैं बोलूंगी ना। बेटा ये हुआ कैसे? अरे भाई बोलो ना, क्या हुआ भाई? हाँ, वो दूध आ जाता है तो बताता हूँ। वो आ गया दूध। दूध? थैंक यू। हाँ बोलो ना। तो वो हुआ कि तू इसे क्या देख रहा है, बोल ना। हाँ बोलो ना भाई। हाँ हाँ, वो ये, हाँ एक्चुअली ये सच्ची गरम है। हाँ, गरम है। बताओ, माँ को बताओ क्या हुआ, माँ से क्या शर्माना? हाँ तो अरे ये सच्ची बात, गरम है ये। माँ मैं बताती हूँ, वो एक्चुअली हुआ ये कि जब हम स्टोर से सामान लेने के लिए गाड़ी से उतर रहे थे तो कुछ गुंडे वहाँ आ गए और मेरा पर्स छीनने लगे। मतलब जब तक बैग छीनने तक की बात थी तब तक तो ठीक है, लेकिन जब उन्होंने मुझे धक्का मार दिया और मैं गिर गई तब अनुजी को बहुत गुस्सा आया। हाँ, लोग, हाँ, हाँ जी, वो तीन और अनुजी एक, लेकिन अनुजी ने उनको बहुत मारा, वो एक मारे अनुजी चार। हाँ हाँ, मतलब इनका ये रूप देख के तो मैं हैरानी हो गई।
गॉड, एक धक्का ही तो मारा था। आई मीन थैंक गॉड कि उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया गौरवी। फाल्गुनी क्या है ना कि जब तक बात गर्लफ्रेंड की होती है ना तब तक कोई थप्पड़ मार ले गुस्सा मार ले चलता है, लेकिन जब बात वाइफ की आती है तो इंसान नहीं सह पाता, बहुत अटैचमेंट हो जाता है ना, यू फील लाइक प्रोटेक्टिंग योर पार्टनर, यू नो। यू आर राइट, एक्सक्यूज मी। यार इट विल बी अ बिग बिग हेल्प अगर मुझे तेरी कंपनी में जॉब मिल जाए। या आई हैव ऑल द सर्टिफिकेट्स। ओके ताई का मैसेज देखा? हाँ, मोटे भाई का बर्थडे राइट, वो अपने बर्थडे पे कभी नहीं होता, इज नेवर टू बी सीन। या मैरिज चेंजेस एवरीथिंग। आई कैन सी दैट। श्रेया कैन यू डू मी अ फेवर, हमारे बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं कैन यू प्लीज लिमिट इट टू दिस हाउस ओनली। या डोंट वरी, आफ्टर ऑल आई साइंड अप फॉर दिस, आई शुड हैव नोन। बहुत अच्छा है आंटी, आप ये खा सकते हो, एगलेस है। हाँ, स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। थैंक यू। बर्थडे बॉय कहाँ पे है? आएगा अभी। जलेबी, फाफड़ा, व्हाट्स नेक्स्ट? पासिंग द पिलो। दिस सो टैकी, इट्स लाइक अ फकिंग सर्कस। टॉकिंग अबाउट टैकी, tackiest family in the town has arrived. You want anything more? Wow, घर तो बहुत बढ़िया है, यही देख के तुम्हारे भाई बहन ने शादी की लगता है। Hi. Alicia, how are you? Hey, you're looking gorgeous. Thank you, looking gorgeous. Hi guys, how are you? Hi, I'm good. I'm good, I'm good. How are you? Namaste, auntie. Ji, tere. Kaise hain aap? Badhiya. Namaste. Arey, ye sab to aapne kamaal hai. Itna karne ki kya zarurat thi, matlab? आप भी तो लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं ना, उनसे बिना पूछे तो क्या जवाब रहता है? दिल से बस। और वैसे ये अखाड़े वालों को बुलाने के लिए मतलब गुड थिंकिंग। वो क्या है ना कि टेक्निकली तो आप वैसे भी अपना बर्थडे हर साल उन्हीं के साथ मनाते, तो इस बार 25 की जगह उन्हें केक खिला देना। Oh, the birthday boy is here. किसी ने सही कहा है, जो भगवान नहीं कर सकता वो बीवी कर सकती है। Happy birthday boy. Nice. मास्या गौरवी ने एक अमेजिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की है। सच
सच में अनुज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। गौरवी ने खुद अपने हाथों से डेकोरेशन किया है, पता है पूरा दिन यही करती रही आज वो। सीरियसली बेब, मानना पड़ेगा, क्या डेस्टिनी है तेरी सिल्क की? आई मीन कहाँ जिस कंपनी की एम्प्लॉय थी और आज वहीं की ओनर? शी इज नॉट द ओनर, मोटा भाई इज। बट दे आर नॉट सेपरेट नाउ बेब्स, यू वर द प्रिंसेस हियर टिल यस्टरडे एंड सी। श्रेया क्या कर रहे हो, दाबेली का ओनर? यू मस्ट बी सो हैप्पी नो, कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतने बड़े घर का, और अब नाउ यू आर अ मिलियनेयर और मुझे अपने डैड पे छोड़ दिया। श्रेया ऐसे क्यों बोल रही हो, अनी से कुछ बात हुई क्या? आई फॉरगॉट, यू गाइस आर अ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। एक मिनट, सब ठीक? कुछ हुआ? नहीं, ऐसे जनरली बात कर रहे थे। शिया ने कुछ कहा? मतलब अगर उसने कुछ कहा तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अनुज जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, आप ज्यादा सोच रहे हैं। और अगर होता भी तो श्रेया मेरी छोटी बहन जैसी है, बच्ची है। एनीवेज आप बर्थडे एंजॉय कीजिए ना, रिलैक्स। दाबेली खाइए। नहीं दाबेली, आई एम सीरियस, आई वांट टू गो टू बाली। Shreya, do you realize I lost my job? I don't care. I just don't care. I want to go to Bali. Realize I've lost all. Okay? Yeah, Jiju, all okay. Well, actually, बारिश की वजह से हमारे एरिया में काफी मच्छर हो गए हैं. But fumigation करा रहा हूँ मैं, so it will get sorted. If need any help, मेरे को फोन करना. Hesitate? नहीं. English? What am I? English बोल रहे हैं? Not bad. Sister side effect. चलो family photo time. Come on. Let's take a family photo. सांसों की डोरी से जुड़ते दिल सुबह शाम है, अनकही बातों में खट्टी मीठी यादों में प्यार का पैगाम है, बिन बोले सब जानता है, दिल को दिल से बांधता है, कितना बुरा सा ये प्यार है। ये जीनिया और सौरभ ने दिया है, कह रहे थे सबके सामने मत खोलना। क्या है ये? मैं रख देता हूँ, बाद में मतलब उनको वापस दे देंगे। आई ने गिफ्ट दिया है। शर्ट दी है। ओफो, आई भी ना, साइज तो पूछ लेती, छोटा हो गया। आपको मेरी शर्ट साइज पता है? हाँ। आपको ना किसी को खास कैसे महसूस करवाना अच्छी तरह से आता है। आज की पार्टी मेरे लिए आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। थैंक यू कि आपने अपना बर्थडे सबके साथ सेलिब्रेट किया। मैं अपने हर बर्थडे पे एक और चीज करता हूँ। मुझे पता है, माँ ने बताया था। क्या? यही कि आप अपने हर बर्थडे पे अपने एनुअल प्रॉफिट का 15% श्रेया के नाम करते हैं।
ये क्या है? देख, ये इस पे तो अस्मी कर्माकर लिखा है। अब से एनुअल प्रॉफिट में से 15-15% श्रिया और अस्मि दोनों के नाम होंगे। मगर अनुज जी, ये अगर आप मेरी वैन को अपना मान सकती है तो आपकी वैन को मैं अपना नहीं मान सकता, और एक बड़ा भाई होने के नाते ये मेरा फर्ज है। सांसों की डोरी से जुड़ते दिल सुबह शाम है, अनकही बातों में खट्टी मीठी यादों में प्यार का पैगाम है। बिन बोले सब जानता है, दिल को दिल से बांधता है, इतना बोला सा ये प्यार है। आंखों आंखों का इशारा, दिल को दिल का है सहारा, कसमों पर भी एतबार है। प्रीत सब सच्ची हो रही, मीत संग पक्की हो रही, प्रीत सब सच्ची।